तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज लैब के स्टॉक के बारे में। डॉक्टर रेड्डीज लैब के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था और जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे जा रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया जिसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। लेकिन अभी पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से हमको अगेन यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आज हमको यहाँ पे स्टॉक में 5.04% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने यहाँ पर अपने इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया हुआ है, तो यहाँ से अभी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से स्टॉक में अब रिकवरी आती है तो यहाँ सब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 5587 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 5727, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 5839, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 5985, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 6100 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 6250, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 63 और 6400-6500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ सब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 5392 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 5274 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 5177 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।